फायदा, 1.5 करोड़ लोगों को फायदा, ये भी दावा है। उज्ज्वला 2 से मिलेगा लाभ, 20 लाख लोगों को ये भी दावा है। मुफ्त शौचालय की अगर बात करें तो 2.61 करोड़ लोगों को इससे फायदा मिला, ये दावा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकारें कर रही है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, आइए अब एक एक करके हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है लेकिन इन दावों में कितना दम है। ये भारतीय जनता पार्टी के दावे और विपक्ष का क्या कुछ उन दावों पर कहना है, ये जानना जरूरी है। जल्दी से आनंद स्वरूप शुक्ला साहब, जो इन तमाम योजनाओं की बात कर रहे हैं, जो गरीबों को घर आपने दिए, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक नरेटिव बन रहा है, अलग अलग यात्राएं निकल रही हैं जातियों को लेकर, क्या आपको लगता है कि आपने आम आदमी को फायदा पहुंचाया, लाभ पहुंचाया, या सिर्फ ये महज आंकड़े हैं? इन आंकड़ों की हकीकत पर भी क्योंकि सवाल उठ रहे हैं, क्या कहना आपका? माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने सरकार बनने के बाद से ही निरंतर उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले सभी बेघरों को पक्का घर देने की कार्रवाई को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया और घर के साथ साथ जो भी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, बिजली की, राशन की, गैस कनेक्शन की, उन सभी को उनसे आच्छादित करने का सफल प्रयास किया गया है। अगर मैं आज आवास की बात करूं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के वंचित वर्ग के 5,51,000 परिवारों के जीवन में एक नई खुशहाली लाई है और उनके गृह प्रवेश और चाबी वितरण का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले 4 वर्षों के कार्यकाल में माननीय योगी जी के शासन में 26,15,000 आवास गरीबों के केवल ग्रामीण क्षेत्रों में यह उन्हें दिए गए हैं। 2011 का जो सेक सर्वे था जी, जो हमारे पास सूची थी, जिसमें 14,61,000 पात्र परिवार थे, उनमें से 14,49,000 मौके पर पात्र पाए गए और 14,36,000 को अपने शुरुआती 3 वर्षों में ही सरकार ने उन्हें आवास योजना से आच्छादित किया और सभी आवासों को आप देख सकते हैं कि एक चरणबद्ध तरीके से उन लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसा जाता है और सभी आवास बन करके तैयार हुए। ठीक है, उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आनंद स्वरूप शुक्ला साहब, आपने आंकड़े गिनाए, अब इन आंकड़ों पर विपक्ष का क्या कुछ कहना है, सिलसिलेवार शुरुआत करते हैं। सुधेंद्र भदौरिया साहब, क्या कहना आपका भी? प्रदेश सरकार के मंत्री का आंकड़े गिना रहे थे, इनका कहना है कि समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जो ये बार बार बात दोहराते हैं ये लोग कि उसको ये फायदा पहुंचा रहे हैं, आंकड़े गिनाए, आज आवास दिया और इनका कहना है कि चुनाव में इन्हीं मुद्दों को लेकर जाएंगे, जो जिस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, क्या कहना है आपका सुधेंद्र जी? है बात तो चुभेगी और मैं ये कहना चाहूंगा कि जनता को इनकी बात इतनी चुभ रही है, तीर की तरह